हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहिन्स वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे सिंपल एंड क्रिस्पी मैगी के पकोड़े, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसे आप इवनिंग स्नैक में झटपट बना सकते हैं। अगर आपको भी मेरे जैसे क्रिस्पी मैगी के पकोड़े बनाने हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो पैकेट मैगी लिया है, एक बड़ा और एक छोटे पैक का मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी पैक यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपल मैगी बनाएंगे, जिस तरह आप सभी लोग सिंपल मैगी बनाते हैं उसी तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पर पानी डालेंगे और उसके बाद हम मैगी के मसाले को ऐड करेंगे। अब हम इसमें मैगी को डाल लेंगे और मैगी को डालने के बाद हम हाई फ्लेम पर 70-80% ही कुक करेंगे। अगर आप मैगी को मीडियम या लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो आपकी मैगी पूरी तरह से गल जाएगी, जिससे आपके पकौड़े बिल्कुल ही अच्छे नहीं बनेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं मैगी को हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ और ओनली 80% ही मैं मैगी को कुक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पूरी तरीके से कुक नहीं करना है। आप मैगी की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं, हमें मैगी को पूरी तरीके से नहीं सुखाना है। अगर आप मैगी को पूरी तरीके से सुखा दीजिएगा तो आपकी मैगी ठंडी होने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाएगी। आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारी मैगी बहुत ही अच्छी बनी है और अब हम इसमें पकौड़े के सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 2.5 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून चावल का आटा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी मैगी अब ठंडी हो गई है। अब हम इसमें सारे मसालों को ऐड करेंगे। पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए अगर आप चाहें तो सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से मैगी को मिक्स कर ले, हल्के हाथों से मिक्स करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसालों को मैंने मैगी में बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने तक हम वेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल अब गर्म हो गई है और अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। पकौड़ों को हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, क्योंकि हमारी मैगी ऑलरेडी 80% कुक हो चुकी है, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब पकौड़ों के कलर चेंज होने लगे तो आप इसके साइड्स को पलट दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पकौड़े अब गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे।
अब हम बाकी के पकौड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पकौड़े परफेक्ट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे वन बाय वन निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। आप देख सकते हैं, हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी बने हैं। आप भी अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।